हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन पे में ऑटो पे को कैसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन पे अकाउंट में जितने भी पैसे डालते हैं वो ऑटो पे हो जाता है फ़ोन पे वॉलेट में और वहाँ से पेमेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वो आप कैसे बंद करोगे, ऑटो पे को कैसे आपको डिलीट करना है यानी कि डिसेबल करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाता है ऊपर में। तो सिंपली आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और इसको डाउन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटो पे सेटिंग। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑटो पे सेटिंग वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि लास्ट कौन सा डेट में आपका ऑटो पे हुआ है, यानी कि अगर आपके फ़ोन पे में ऑटो पे एक्टिवेट है तो फ्रेंड्स आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट के आपका फ़ोन पे वॉलेट में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पैसा आया है और लास्ट कौन सा डेट में आया है। और अगर आपको यहाँ पर ये ऑटो पे को डिसेबल करना है तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है फ़ोन पे वॉलेट ऑटो टॉपअप, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आप व्यू ऑटो पे हिस्टोरी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना बार ऑटो पे हुआ है आपका अकाउंट से फ़ोन पे वॉलेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना पूरा हिस्टोरी देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखो जितना पैसा आप यहाँ पे सेट करके रखोगे उतना ही ये कट होके अपना वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे 1000 का सेट किया हुआ था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने अकाउंट से देख सकते हैं 1000 का कट हुआ है हर बार जितना बार ऑटो पे हुआ है, टाइम टू टाइम वो ऑटो पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है रिमूव ऑटो पे। तो सिंपली आपको रिमूव ऑटो पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 5000 रुपये का ट्रांजेक्शन दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा अपने अकाउंट से, यहाँ पे बस दिखाता है। तो इसको आपको इग्नोर करना है और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पिन दे देना है, जो भी पिन है आपका। तो सिंपली पिन देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन मिल जाता है, डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना पिन दे के दिखा देती हूँ, तो सिंपली यहाँ पर पिन मैंने दे दिया। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑटो पे का ऑप्शन है वो रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ऑटो पे को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आया है कैसे आपको ऑटो पे को बंद करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।